जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका आपके इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। रोजाना आपके समक्ष हम हाजिर होते हैं आज का पंचांग और आज का राशिफल लेकर के, ताकि आप जान सकें किस समय पर आपको कौन सा कार्य करना है, आपको पता हो कि कब राहु काल है और कब गुलिक काल है, आप जान सकें कि आपकी राशि आज के लिए क्या कहती है और उसी के अनुसार आप अपनी दिनचर्या को डिसाइड कर सके। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का पंचांग दिनांक 8 अगस्त 2021, दिन रविवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, शाम 7:21 तक तदोपरांत प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे, नक्षत्र पुष्य, सुबह 9:19 तक तदोपरांत अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। योग व्यातिपात रात्रि 11:36 तक तदोपरांत वरियान योग रहेगा। राहु काल शाम 5:26 से शाम 7:07 तक और गुलिक काल दोपहर 3:46 से दोपहर 5:26 तक। आप ये समय नोट भी कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। राहु काल बेहद ही अशुभ समय, इसलिए कोई भी शुभ कार्य उस समय पर न करें। गुलिक काल बहुत शुभ समय होता है, उस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये थी बात आज के पंचांग की। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा आपका दिन और किन बातों का रखना है आपको विशेष ध्यान। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मेष राशि, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, मन में उल्लास बना रहेगा। आप अपने प्रियजनों को दूसरों के साथ थोड़ा और अधिक दोस्ताना देखते हैं। अपने प्रिय, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जो आपके प्रिय लोग हैं, उनकी खामियां ढूंढने में समय बर्बाद न करें। अविवाहित लोगों को विवाह या प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार में वैचारिक मतभेद खत्म हो सकते हैं। घर परिवार या पड़ोस में कोई कठिन परिस्थिति बने तो सकारात्मक रहें, बेहतर होगा। मेष राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन यात्रा करने से बचें क्योंकि योग अच्छे नहीं बन रहे हैं, दुर्घटना होने की भी संभावना है। शुभ रंग आपके लिए होगा काला और शुभ अंक होगा 2। वृष राशि, कार्यस्थल पर बहुत ऊर्जावान रहेंगे आप, अपने व्यवहार में बहुत अधिक सफल होंगे। आपका जो व्यवहार है वो बहुत सफलता की तरफ ले जाने वाला है आपको। लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का आप लाभ उठाएंगे। व्यापार अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बच्चों से खुश रहेंगे और जीवन साथी के साथ संतोषप्रद जीवन का आनंद उठाएंगे। स्वास्थ्य के संबंध में आज थोड़े चिड़चिड़े आप रह सकते हैं, आराम करने के लिए पर्याप्त समय लें। वृषभ राशि वालों को आज की सलाह, पैसा कहीं निवेश किया है, अटका हुआ है तो जल्द निकालने का प्रयास करें, वरना फंस सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए होगा लाल और शुभ अंक होगा 3। मिथुन राशि, पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। इनकम बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं, जिनसे आप खुद भी हैरान हो सकते हैं। आप अपनी पसंद या मनमर्जी के कामों के लिए उत्सुक होंगे। जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उससे आपको फायदा ही होगा। जो खास बात है उसे गंभीरता से ही लें। आज अपनी सोच पॉजिटिव रखें और काम करने के तरीके में बदलाव करें, सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वालों को आज की सलाह, प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर की कोई बात आपको चुभ सकती है और आप उसे दिल पर ले सकते हैं। ऐसे में अपने पार्टनर से खुल करके बात करें, अन्यथा रिश्तों में दूरियां और बढ़ जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और शुभ अंक होगा 5। कर्क राशि, ऑफिस में आज कामकाज का बोझ अधिक हो सकता है। आपके करियर में अचानक बदलाव आ सकता है जिससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए और जोखिम भरे कामों को करने से बचना है। बहते जल में तिल प्रवाहित करें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कर्क राशि वालों को आज की सलाह, घर में कुछ भी बोलने से पहले उस पर अच्छे से विचार कर लें, अन्यथा किसी बात के कारण बेकार का तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 1। सिंह राशि, कारोबारी व्यक्ति आज अपनी आंखें खुली रखें। उन्नति का कोई बढ़िया अवसर आपको मिल सकता है।
स्वास्थ्य बेहतर योग बना रहा है, घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने साथी की छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें। आज के दिन अधिकांश समय आप खरीदारी या दूसरी गतिविधियों में लगाएंगे, सामान्य रूप से आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। परिवार के बड़े लोगों का आपको आज सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से किसी घरेलू समस्या को लेकर बहस हो सकती है। सिंह राशि वालों को आज की सलाह, यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कहीं से अच्छा ऑफर हाथ में आ सकता है, इसलिए प्रयास करते रहें, जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए होगा ब्राउन यानी भूरा, शुभ अंक होगा 8। कन्या राशि, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा, लेन देन और निवेश के मामलों में नई प्लानिंग करेंगे। आपके आसपास चहल पहल भी रहेगी, आपकी एकाग्रता चरम सीमा पर होगी और एक साथ कई कार्य भी संभालने पड़ सकते हैं, लेकिन आप सफल होंगे संभालने में। लोगों से मिलने या परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम आप बना सकते हैं। काम और मेहनत दोनों ज्यादा रहेंगे, लेकिन आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन भारी है थोड़ा सा आपका, बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हनुमान मंदिर होकर आए या घर पर ही कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 3। तुला राशि, व्यापारिक गतिविधियों से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग दोषपूर्ण है तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते कड़वे हो सकते हैं। अविवाहितों के जीवन में आज प्रेम का प्रवेश हो सकता है। रिश्तेदारों से संबंध सुधारने के लिए आज का दिन अनुकूल है। पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा। तुला राशि वालों को आज की सलाह, करियर को लेकर सजग होंगे और कोई ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। किसी बड़े से सलाह जरूर ले लें, कुछ भी निर्णय करने से पहले बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए होगा मेहरून और शुभ अंक होगा 7। वृश्चिक राशि, आज कुछ लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, एनर्जीज आपकी बढ़ी हुई रहेंगी। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। धन लाभ के नए रास्ते खुलते हुए नजर आ सकते हैं। आज का दिन खुद में बदलाव लाने वाला है। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। जो लोग स्टेशनरी के बिजनेस से जुड़े हैं उनको आज लाभ मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं को कोई छोटा उद्योग शुरू करने में घर वालों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। वृश्चिक राशि वालों को आज की सलाह, दोपहर में कुछ अनहोनी घट सकती है, इसलिए आप अपना ध्यान केंद्रित रखें और बाहर जाने से बचें। शुभ रंग आपका होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 4। धनु राशि, आने वाले खर्चों के प्रबंधन को लेकर आपको मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्लान बनाना होगा। आज आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। आज अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए उत्तम दिन है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज ट्रांसफर के योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। आज आप गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचने की कोशिश करें, वरना आपका ही नुकसान होगा। धनु राशि वालों को आज की सलाह, घर में कोई बात हुई है तो उसे बाहर कहने से बचें, अन्यथा यह आपके लिए उल्टा दाव सिद्ध होगा। भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है, संभल कर रहें। शुभ रंग आपके लिए होगा संतरी और शुभ अंक होगा 2। मकर राशि, बिजनेस और नौकरी में कुछ अच्छा होने के इशारे मिल सकते हैं। ऑफिस के काम या अपने किसी शौक के कारण आप व्यस्त रहेंगे। किसी जरूरी पार्टनरशिप की दिशा में प्रगति होने का भी योग बन रहा है। कुछ जिम्मेदारियां और जरूरी काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने से पहले सलाह कर लें। नया मकान खरीदने का मन बन सकता है। धार्मिक यात्रा का भी योग है। मकर राशि वालों को आज की सलाह, जीवन में तरक्की हो सकती है, इसलिए मेहनत से इस समय जीना चुराएं। जल्द ही लाभ होने के योग हैं। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और शुभ अंक होगा 6। कुंभ राशि, फाइनेंशियल मोर्चे पर, वित्तीय मोर्चे पर आज अच्छा धन लाभ संभव है। आप इस चरण में कई गतिविधियों में शामिल रहेंगे। मार्केटिंग, मीडिया आदि से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको यात्रा करनी पड़ सकती है। नए संपर्कों से भी लाभ होगा जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। व्यवसायिक व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। आज भूमि वाहन की बिक्री और खरीद के लिए एक सकारात्मक चरण है। आप सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन आपके कुछ करीबी लोगों का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। कुंभ राशि वालों को आज की सलाह, दोपहर में
किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं लेकिन किसी से जताएंगे नहीं। लोग आपके भावुक स्वभाव का फायदा उठाएंगे, इसलिए संभल कर रहे हैं। शुभ रंग आपका होगा सफेद और शुभ अंक होगा 9। मीन राशि, आज जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक पक्ष आज पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आज माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं जिनको आप अपने जीवन में उतारने में कामयाब रहेंगे। बॉस आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, गणेश जी को दूर्वाघास चढ़ाएं, आर्थिक स्थिति जरूर सुधरेगी। मीन राशि वालों को आज की सलाह, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, ऐसे में उनका पूरा ध्यान रखें, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी। कोई बात मन ही मन आपको परेशान कर सकती है, कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लें। शुभ रंग आपके लिए होगा स्लेटी और शुभ अंक होगा 7। ये था राशिफल मेष से लेकर के मीन तक, कैसा रहने वाला है आज का दिन। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।